फिलहाल पूरी जांच हम लोग अभी बहुत बारीकी से कमिश्नर साहब आई जी साहब पूरी टीम हम लोग देख रहे हैं जी। नहीं जो पोस्टमार्टम में गोली निकली है उसके कैदी जो शिवम है तो क्या है गोली कैसे लगी, यहाँ तो बताया गया था कोई गोली नहीं चली है। वो सब सारे पहलुओं को देखा जा रहा है और इस समय कोई टिप्पणी करना अनुचित होगा क्योंकि अभी हम लोग पहले प्रारंभिक देख रहे हैं। एक हाँ बोलिए सर, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है क्या? कई चीज़ें की जा रही हैं, थोड़ा और समय लगेगा जब हम शाम को 6 बजे निकलेंगे, अभी हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, अभी आप तो निकलेंगे और चीज़ें हम लोग कुछ और डिस्कस करने सर। लगातार निरीक्षण होते रहते हैं फिर भी ये बवाल होते रहते हैं, क्या इसमें जो अधिकारी या कर्मचारी लंबित हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी होगा कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, लेकिन एक प्रॉपर प्रक्रिया के बाद। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है सर क्या? संदीप जो था उसका एक सर लेटर अभी बाहर आया है निकल के, उसने एक आरोप लगाया था जब जिंदा था, उसका लेटर अभी सोशल मीडिया पर आ गया, 14-15 कैदी उसके लेटर के साथ में बाकायदा नाम जिलाधिकारी शिकायत की, वो बीमारी में उसको इलाज नहीं मिला ये शिकायत कर रहा था जिंदा था। देखिए मैं अभी आपको इतना ही कहूँगा कि एक विशेष इंक्वायरी टीम का गठन जेल प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है, ये 3 सदस्यीय टीम होगी जो पूरे प्रकरण की जांच करते हुए प्रशासनिक रूप से देखेगी। प्रथम दृष्टया कुछ मिला है क्या? प्रथम दृष्टया कुछ अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, प्रथम दृष्टया बहुत चीज़ें मिली हैं, बहुत चीज़ों का आकलन किया जा रहा है, लेकिन एक 3 मेंबर कमेटी जिसको स्पेशल इंक्वायरी टीम है प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको देखेगी, जेल प्रशासन की ओर से हम गठित करने जा रहे हैं और एक समय सीमा के तहत वो रिपोर्ट देगी। अच्छा ये तो स्पष्ट है, कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो गोली लगने से हुई है? अभी मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देखी लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि कॉज ऑफ डेथ है उसकी वजह से गोली लगी है उसको। अभी तक कोई कार्रवाई की गई किसी के खिलाफ? क्या कार्रवाई जांच के पश्चात की जाएगी और कठोरतम की जाएगी जांच के बाद, लेकिन पूरी पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जिन कैदियों के खिलाफ एफआईआर लिखी क्या उनको बाहर भेजने की भी कोई व्यवस्था कर रहे हैं? वो हम लोग विचार करेंगे। सर टीम में कितने लोग शामिल हैं? सर 3 सदस्यीय वरिष्ठ अधिकारी की टीम जेल प्रशासन की ओर से होगी जिसको हम विशेष इंक्वायरी टीम के नाम से रखेंगे और इसमें वरिष्ठ अधिकारीगण होंगे, पूरी समुचित और समग्र जाँच करेंगे, सारे पहलुओं का आकलन करेंगे और जो स्थिति सामने आती है। कितने दिनों में ये टीम अपनी रिपोर्ट देगी? ये अभी हम आपको शाम को बताएंगे, हम तो इस पर भी निर्णायक स्थिति पे आ रहे हैं। सर जेल परिसर में तमंचा मैंने मिलने की बात सामने आई थी, सारी चीजें देखी जाएंगी एसआईटी द्वारा देखी जाएगी। थैंक यू।